ऑक्सीजन के लिए देश भर में हाहाकार, आखिर कौन जिम्मेदार? पूरे देश में कहां ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, कितने प्लांट लगेंगे, किस प्लांट से किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, इसका सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में होता है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन देने की बजाय आरोप लगा रही है। आरोप यह है कि मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड से 8 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को दिए थे और अभी तक 8 में से सिर्फ एक ही प्लांट तैयार हुआ। हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन देने की बजाय मोदी सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाने में क्यों लगी है। तो चलिए देखते हैं मामले की पूरी सच्चाई क्या है। एक बात तो साफ है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगने थे। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदारी सौंपी गई। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से जमीन मांगी। 8 अस्पतालों के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन इस जमीन पर प्लांट बनाने का टेंडर मोदी सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CMSS यानी सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी ने निकाला। केंद्र सरकार की संस्था CMSS यानी सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी के टेंडर में ही लिखा है कि ठेकेदार अपने काम का बिल CMSS यानी केंद्र सरकार की संस्था के नाम पर बनाएगा। मतलब ये कि केंद्र सरकार को सीधे ठेकेदार को पैसे देने थे, इसमें तो दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं था। अब इसी तरह पूरे देश में करीब 142 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने थे, जिसका ठेका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सिर्फ एक ठेकेदार को दिया गया, जिनमें 8 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली के भी शामिल थे। दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में लिया था, लेकिन 8 महीने बाद सिर्फ एक ही प्लांट बनकर तैयार हुआ, लेकिन शुरू नहीं। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार को प्लांट लगाने के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। पीएम फंड से सारा पैसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया, जो कि सीधा केंद्र के सेलेक्ट किए हुए ठेकेदार को दिया जाना था। अब फिर से सुनिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया था, पीएम केयर्स फंड दिए जाने पर भी दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाए। केंद्र सरकार के निकाले गए टेंडर से साफ है कि पैसे का लेन देन सीधा केंद्र की संस्था CMSS और ठेकेदार के बीच में होना था और इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं था। तो अगर मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड के पैसे दिए तो किसे दिए, और पैसे दिए तो अभी तक ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगे, और अगर नहीं लगे तो जनता की पीड़ा का दोष दिल्ली सरकार पर क्यों डाला? इसका सीधा सा जवाब यह है कि केंद्र सरकार कोरोना की दूसरी वेव से लड़ने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कोरोना जब देश भर में बढ़ रहा था, तब प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री बंगाल चुनाव प्रचार में मग्न थे, लाखों लोगों की भीड़ जुटा रहे थे और खुद ही कोरोना फैलाने का काम कर रहे थे। और अब वही मोदी सरकार अपने पीएम केयर्स फंड का हिसाब देने से भाग रही है। ऑक्सीजन की कमी से देश भर में हो रही मौतों के आंकड़े से भाग रही है, और यही कारण है कि दिल्ली के केस में मोदी सरकार सारा दोष केजरीवाल सरकार पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।